हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के जनरल नॉलेज क्वेश्चंस देखने वाले हैं, प्राचीन इतिहास विविध से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लोह युग। इस प्रश्न का सही जवाब है ताम्र पाषाण युग। अब है प्रश्न दो, भीम बेत का किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उद्गम स्थल। इस प्रश्न का सही जवाब है गुफाओं के शैल चित्र। अब बढ़ते हैं प्रश्न तीन की ओर। प्रश्न तीन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में है ए गुप्त, बी चंदेल, सी चालुक्य, डी पल्लव और सूची दो में है एक बादामी, दो पनमलय, तीन खजुराहो और चार देवगढ़। आपको सूची एक के शब्दों का सूची दो के शब्दों से मिलान करना है। ऑप्शंस हैं ए फोर, बी थ्री, सी वन, डी टू। ए फोर, बी टू, सी थ्री, डी वन। ए टू, बी थ्री, सी फोर, डी वन या फिर ए थ्री, बी फोर, सी वन और डी टू। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए फोर, बी थ्री, सी वन और डी टू, यानी कि ए का मिलान चार के साथ गुप्त देवगढ़, बी का मिलान तीन के साथ चंदेल खजुराहो, सी एक यानी सी का मिलान वन के साथ चालुक्य का बादामी और डी टू पल्लव का मिलान दो के साथ पनमलय। इस प्रश्न के बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न चार, जिसमें स्वप्नवास वददा के लेखक पूछे हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भास। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/10 से 1/16, 1/6 से 1/10, 1/4 से 1/6 या 1/3 से 1/4। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/6 से 1/10। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है शिकार। अब आता है प्रश्न 7, जिसमें पूछा गया है ताम्रशम या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शंस हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देख लेते हैं प्रश्न 8। पुलकेशिन का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601, 300, 330 या 407। इन सभी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है। और सही उत्तर है 330 वर्ष। प्रश्न 9 है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है कंबोडिया। अब आ चुका है हमारा अंतिम प्रश्न, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि,
चारागाह की भूमि, जंगली भूमि या इनमें से कोई नहीं? और इस प्रश्न का सही जवाब है जलाशय की भूमि। तो ये थे 10 प्रश्न जनरल नॉलेज के हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित। आशा करती हूँ वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी और जनरल नॉलेज की वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।